हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इवन आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए या आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, और विद ट्रिक करने वाले हैं हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दी बेस्ट ट्रिक फॉर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और इसे जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं ना वो बनते हैं ज्योमेट्री बता दीजिए, शेप बता दीजिए, वो कम्प्लेक्स लो स्पिन है, हाई स्पिन है, वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, बढ़िया ट्रिक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है बेटा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये मस्ट है, ठीक है। और इसके लिए आपको लिगेंड्स की टेबल याद होनी चाहिए और लिगेंड्स की टेबल आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता कर सकते हो या फिर मैंने करवाई भी हुई और करवा भी दूंगा, डोंट वरी। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लोगे और दूसरी बात क्या है आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ लिगेंड, कि जो लिगेंड आपका कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो किस नेचर का है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वो वीक फील्ड है। देखिए बेटा, वीक फील्ड लिगेंड के कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, बाकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगता है, जैसे सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, एनओ, एफ, ये सब वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें सीएन, सीओ, एनएस3। जो वीक फील्ड होते हैं ना वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो पेयरिंग नहीं करवा सकते। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड इज लाइक जो घर के बड़े होते हैं। अब घर के बड़े क्या करते हैं, सिंगल को कपल बना देते हैं, उनसे खुशी बर्दाश्त नहीं होती, मजाक कर रहा हूं। तो क्या करते हैं भैया, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देते हैं, ठीक है, जो भी सिंगल दिखता है उनकी पेयरिंग, अरे सिंगल रह के क्या करेगा, चलो इसकी शादी करवाते हैं। कुछ ये काम होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के। अब देखिए बेटा, आप किन किन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे अगर ये आपको अच्छे से आ जाती है, इवन करेंगे भी प्रीवियस ईयर में जेई में नीट में जो जो क्वेश्चन आए हम लोग लगाने वाले हैं। आप लोग सबसे पहले बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 या sp3d2 है तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक करेक्टर देखिए दो तरह का होता है, या तो कोई सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक हो सकता है या फिर हमारा कोई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक हो सकता है। पैरामैग्नेटिक विच आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमैग्नेटिक विच आर रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब पैरामैग्नेटिक कौन होता है, अट्रैक्शन कौन से शो करते हैं, जो सिंगल होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, और डायमैग्नेटिक रिपल्शन कौन शो करता है, जो पेयर्ड होते हैं भाई वो अट्रैक्शन नहीं शो कर सकते दूसरी तरफ, उनके अट्रैक्शन नहीं की जगह रहेगी। मतलब याद रखिए जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बेटा जी डायमैग्नेटिक होंगे और जो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, दो नेचर हो सकती है, आउटर हो सकती है, इनर हो सकती है। आउटर जिसमें बाहर वाला डी यूज होता है sp3d2, इनर जहां पर अंदर वाला डी यूज होता है d2sp3। कॉम्प्लेक्स आपका हाई स्पिन हो सकता है, हाई स्पिन इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है बेटा जी, लो स्पिन भी हो सकता है, ठीक है ना, कौन सा हो सकता है ब्रो, लो स्पिन। लो स्पिन किसे कहोगे आप लोग, जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये था सिंपल सा, क्लियर है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं Fe Cl6 3 negative। तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने क्या बोला है आपको, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग Fe को x मान लोगे, Cl कितने हैं ब्रो, Cl है इधर 6, Cl पे चार्ज है -1, इक्वल टू में कितना होता है बेटा -3, x ये माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 होगा एंड 6 माइनस 3 इज 3। तो यहां पर आप लोग Fe3+ की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, याद है ना, वो सीला थी वेरी क्रेजी। बाकी 3D सीरीज की ट्रिक्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो बढ़िया ट्रिक होगी उसको हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे विद योर नेम, ठीक है, 3D सीरीज की बढ़िया बढ़िया ट्रिक आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए, तो बेटा जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी Ar18 3D6 4S2 4P0 4D0। अब 3 प्लस बोले तो 3 माइनस करना है, माइनस कहां से होगा भैया, पहले S में से होगा, आउटर से होते ना माइनस, तो S में 0 हो गया, ठीक है। बट आपको 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने, 2 माइनस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन स्टिल बचता है, तो वो डी इधर टी में 5 हो जाएगा, ठीक है, पहली काम, ठीक है। आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया, आपको यह पता चल गया कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिए बेटा जी, ये है आपका 3D, है ना,
वन टू डी के फाइव ऑर्बिटल होते हैं, थ्री डी है, थ्री डी के बाद यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका 4s, यहाँ पर क्या आएगा आपका 4p, एंड जरूरत पड़ती है तो क्या भी आ जाएगा 4d भी आ जाएगा। d के अगेन कितने ऑर्बिटल होंगे ब्रो, फाइव ऑर्बिटल्स होंगे, ये 4d है। अब इधर d में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड रहते हैं, एक दो तीन चार पांच, ये आपने पांच इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब आपने इधर, अब देखिए सीएल जो है वीक फील्ड लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकते, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो सकती, तो लिगेंड्स जाएंगे, लिगेंड्स किसे कहते हैं, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर ये वाला जो है, ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक लिगेंड आ सकता है, तो डाल दीजिए ना एक लिगेंड, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो यहां से सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहला लिगेंड कहां गया है, एस में, फिर कहां गए हैं तीन, पी में, उसके बाद दो कहां गए हैं, डी में, sp3d2, ये तो क्या हो गई है यहां से sp3d2, यहां से हो गए बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्टार्टिंग में ही बताया था, यहां से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा जी, यहां से ज्योमेट्री हो जाने वाली है ऑक्टाहेड्रल, क्या होगी ब्रो ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, आप लोग खुद से देखिए, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग क्या लिखने वाले हो, इट इज, वाओ ये परव बोलता है, परव मेरा दो साल का बेटा है, इट इज पैरामैग्नेटिक बेटा जी, क्या होने वाला है, पैरामैग्नेटिक होने वाला है, और क्यों होने वाला है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड है, सिंगल है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स की दो नेचर होती है, एक तो स्पिन बतानी होती है, अब क्योंकि सारे सिंगल हैं अनपेयर्ड हैं, तो ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अगर लिगेंड्स की फिलिंग के लिए अंदर वाले डी ऑर्बिटल की यूज हो रही है तो वो है इनर, और अगर बाहर वाले डी की यूज हो रही है तो वो है आउटर, क्योंकि इसमें बाहर के डी ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, तो आप इसे क्या बोलने वाले बेटा, इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलोगे आप लोग इसे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल डिटो। आप लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, Fe-CN6-3 नेगेटिव, ये क्वेश्चन आपका कब आया हुआ है, मेंस 2021 के अंदर आया हुआ है, ठीक है बेटा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, तो Fe को आप लोगों ने x मान लेना है, CN इधर 6 है, CN पे चार्ज होता है -1 इक्वल टू में -3, तो x इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा बेटा जी 3 आ जाएगा, तो Fe 3+। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो Ar18 4s2 3d, गलत लिख रहा हूं मैं, क्षमा चाहता हूं, इंसान गलतियों का पुतला है, 3d6 4s2 4p0 एंड 4d भी 0, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए कि इसके ऊपर चार्ज है 2+, है ना, सॉरी 3+, 3+ मीन्स 3 माइनस करने हैं, माइनस कहां से होंगे, सबसे पहले एस में से, तो एस में से बेटा जी दो इलेक्ट्रॉन को आप लोग माइनस कर दीजिए, बट आपने तो कितने इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, आपने इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है 3 को, दो माइनस कर चुके हो, एक बचा, ठीक है, तो यहां पर डी में कितने हो जाएंगे इधर 5, ठीक है, तो कर दीजिए, इधर आप लोग क्या लिख रहे हो, ये हमारे पास 3d 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 3d के बाद कौन आएगा 4s, 4s के बाद कौन आएगा 4p, ठीक है, 4p के बाद कौन आएगा 4d, जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में, बट स्टिल लिख लेते हैं 3d 4s 4p 4d। देखिए ये ट्रिक हो गई, बाकी जितने ज्यादा एग्जांपल करो यार, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका कंसेप्ट होता जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने कर दिया। अब अगली बात देखिए कि यहां पर जो आपका लिगेंड है सीएन है, सीएन एक कैसा लिगेंड है, सीएन इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना घर के बड़े बुजुर्ग हैं, और बड़े बुजुर्ग शादी करवा देते हैं, देखा होगा आपकी फैमिली में भी होंगे, दादा दादी नाना नानी ऐसे हो जाता है छोटी उम्र में ही, मतलब हमारे इंडियंस में तो चल ही जाता है
ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ घर वालों को शादी करवा दो। ये कौन बोलता है? मेरी क्लास का 11th क्लास का एक स्टूडेंट है, उसका नाम है गौरव, वो बोलता है। चलिए तो ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, जितनी ज्यादा पेयरिंग पॉसिबल हो उतनी ज्यादा पेयरिंग करवा दो। वन इधर पेयरिंग होगी, टू, बट कई इंसानों की किस्मत में हमेशा सिंगल रहना लिखा है, तो यहां पर ये भाई साहब देखिए ना, पेयरिंग बेटा जी इनकी हो सकती है, ये पेयरिंग हो जाएगी, इसकी पेयरिंग हो जाएगी, अब इसकी तो पेयरिंग नहीं हो सकती ना। ठीक है, बहुत शानदार सर, ये है 3D, 3D के बाद ये हमारे पास 4S और ये हमारे पास 4P। अब आप लोग लिगेंड्स की फिलिंग करोगे, अब लिगेंड्स की फिलिंग खाली ऑर्बिटल में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने लिगेंड्स फिल करने हैं यहां से पता लग जाता है, 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड्स फिल कर दिया आप लोगों ने। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा जी, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2SP3, और ज्योमेट्री क्या है, इधर ज्योमेट्री क्या होने वाली है ब्रो, इधर ज्योमेट्री होने वाली है ऑक्टाहेड्रल, है ना, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। अब ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, अब क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका नीट 2018 के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा नीट वालों के जो शिकायत रहती है कि सर हमारे क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, तो वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। सीओ पे कोई चार्ज नहीं होता, सीओ पे 0 चार्ज होता है, तो यहां से ये क्या जाएगा, बाकी अपने दिल की तसल्ली के लिए अगर आप चाहो तो इधर चार्ज भी लिख सकते हो, मान के चलो 2 पॉजिटिव चार्ज मैंने लिख दिया, तो एक्स है, सीओ कितना है 4, इस पे 0 होता है, इक्वल टू में कितना आ गया +2, तो निकल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए बेटा आप लोग, 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Ar 18, 3D 8 एंड 4S 2, उसके बाद 4P 0 एंड 4DB 0। अब आप लोग समझिए कि 2+ है, 2+ का मतलब क्या है कि हमने यहां से इलेक्ट्रॉन 2 माइनस करने हैं, और वो माइनस कहां से होंगे ब्रो, वो माइनस होंगे सबसे पहले एस में से, 4s में 0 हो जाएंगे, डी में 8 है। ठीक है, अब ये डी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दीजिए इधर, ये डी के कितने ऑर्बिटल बनने वाले हैं, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 3D है, 3D के बाद क्या आएगा, 4s, 4s के बाद क्या आएगा, 4p के बाद क्या आएगा, 4D, 1, 2, 3 बनाना जरूरी नहीं है। अब D में 8 इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब अगली बात यह है कि CO कैसा लिगेंड है, CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, अब स्ट्रोंग लिगेंड क्या करवा सकते हैं, पेयरिंग करवा सकते हैं, पेयरिंग किसकी करवा सकते हैं, जो अनपेयर हैं, तो इनकी पेयरिंग करवा देंगे, ठीक है बेटा, अब कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 3D, 3D के बाद यहां पर क्या आएगा, 4S, 4S के बाद यहां पर क्या आएगा, 4P। ठीक है ना, अब लिगेंड फिल कर दो, 1, 2, 3, 4, तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, DSP2, हाइब्रिडाइजेशन DSP2 है, तो बेटा जी यहां से ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, बोलो भाई, ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर सभी की शादी हो चुकी है, सारे ही पेयर्ड है, तो आप लोग क्या लिखोगे, इट इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, स्पिन का मतलब होता है घूमने वाले, घूमते कौन है, जो सिंगल होते हैं, सिंगल ही घूम पाएगा ना, पेयर में तो कहां ही घूमने को मिलेगा यार। ठीक है ना, तो इट इज लो स्पिन। तो बेटा जी इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं अगेन टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा जी, ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।